देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यारी इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट नहीं, मैं यारी इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। यारी इंटरनेशनल अमेरिका की संस्था है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो डॉक्टर जसबीर लोहान है। हाँ, मैं यारी इंटरनेशनल के साथ मिलकर यहाँ काम करता हूँ। यारी इंटरनेशनल 10 देशों में काम करती है, उसमें से एक देश हमारा भी है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और जो आपने पूछा कि हमारे प्रयास क्या रहेंगे हमारे नौजवान बच्चों के, हमारे नौजवान बच्चों के हमें हमारी तरफ से यही प्रयास है, और मैं आपके माध्यम से उन सभी भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि जो बच्चा 50-60 लाख रुपए दे के जा रहा है और वो रास्ते में गायब भी हो रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, और वहाँ जाके बहुत सारा प्रेशर भी रहता है काम करने का क्योंकि 50-60 लाख रुपए दे के गया है, मैं उन सभी भाइयों को आग्रह करूँगा, और कुछ बच्चे वहाँ जाके डिपोर्ट भी हो रहे हैं अंदर जाने के बाद भी, तो जब वो 10-15-100 में से 15 आदमी डिपोर्ट हो रहे हैं, तो कम से कम पहले ये आसान रास्ता है, लीगल रास्ता है, इसमें 5 साल का वीज़ा भी लगता है, तो क्यों नहीं आप हिम्मत सारण जी कलायत में है, ये जो ऑफिस है आपने अभी देखा है, आज हमने इनॉग्रेशन किया है इनका, इसकी इस सुविधा का फ़ायदा लिया जाए। हम इसमें 5.5 से 6 लाख रुपए का जो खर्चा है इसी में आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी है, एम्बेसी की फ़ीस भी है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने की फ़ीस भी है, सिवाइस आईडी की भी है, इसमें सारी सुविधाएं हैं। और इसमें ये भी है कि हमने जो लेना है हमारा तेल पानी का खर्चा ना लगे हमारी जेब से, वो भी इसी के अंदर है। तो जब इतने कम पैसे में आपको सारी सुविधाएं ये हमारे हिम्मत सारण जी दे रहे हैं कलायत में, तो इसका बेनिफिट लेना चाहिए और किसान की जेब पर भारी ना पड़े। किसान और मज़दूर वो बेचारा आज की डेट में बहुत छोटी जोत का आदमी है, और जो छोटा व्यापारी है वो भी कोविड की वजह से आज बड़ा परेशान है, घर में बीमारियां हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बीमार पड़े हैं, स्ट्रेस में हैं, कम पैसा है, अपनी ज़मीन बेचने को मजबूर, अपनी दुकानें बेचने को मजबूर है। मैं उन सभी भाइयों को आपके माध्यम से यही कहूँगा कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको, गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विस पर आइए और कलायत में हमारे हिम्मत सारण जी से मिलिए और इसका फ़ायदा लिए। देखिए 50-60 लाख रुपए का जो ब्याज है ना, वो 6 महीने का ब्याज इतना हो जाता है जितना हम सर्विस दे रहे हैं, और लोगों से ज़्यादा बेहतर इसलिए हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी टीम है, और हम जो फार्म भरेंगे उनके जो कागज़ की तैयारी करेंगे और लोगों से ज़्यादा हमारे वीज़ा लग भी रहे हैं, उनका कारण यही है कि हम उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वरना उनको बहुत अच्छे तरीके से काम करना जानते हैं, हम उन बच्चों को सिखाएंगे बहुत तरीके से, हम उनकी तैयारी भी करवा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट सिर्फ गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विस पे है। हमारे पास 14 यूनिवर्सिटियाँ हैं, और मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूँ कि पूरे हरियाणा में जितने भी भाई हैं ना, किसी के पास डायरेक्ट यूनिवर्सिटी है ही नहीं। हमारे पास डायरेक्ट यूनिवर्सिटियाँ हैं, इसलिए हमारे रेट भी कम है। दूसरा, हम कमीशन का कोई काम नहीं करते कि 30 लाख रुपए की बता दिया फीस, हमने कमीशन नहीं खाना। हमारी जो 5-6.5 लाख रुपए की यूनिवर्सिटी है ना, वो अमेरिका की टॉप 4 में है, और टॉप 1 यूनिवर्सिटी, अगर एक MBA का उदाहरण देता हूँ आपको, जो टॉप 1 में है उसका 1 करोड़ रुपए का साल की फ़ीस है, और जो टॉप 4 में है वो हमारे पास दोनों की दोनों यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसकी 4 लाख रुपये की एक सेमेस्टर की फ़ीस है। तो बच्चे ने खुद देखना, मैंने जो चूज किया ना वो इसलिए की है कि हमारा जो किसान है देहात का बच्चा है, वो कामयाब थोड़े से थोड़े पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैसे पहुँचे, वो व्यवस्था करके आए हैं। हमने पैसा कमाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, पैसा बचाने की तरफ ध्यान दिया है। और हमारे किसान मजदूर और छोटा व्यापारी, मैंने परसों एक रोहतक व्यापारी मिला था, रोने लग गया, वो कोविड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई और फादर बीमारी में उसको पैसे लग गए। वो तो छोटा आदमी है चाहे बड़ा आदमी है, दिखते सबको सामान्य होती हैं, जब दिखते होती हैं तो उन सब के लिए ही एक ये चीज़ है। मैंने वहाँ देखा है जाके, वहाँ जाके भी कोई अगर आदमी ये सोचे कि मैं सफ़ेद कॉलर में रह लूँगा और काम कम करूँगा तो वो कामयाब नहीं है। मैं आपके माध्यम से यही बात कहूँगा कि जो आदमी हमारे से संपर्क करना चाहता है वो वहाँ जाके अगर 100% अपने आप को देर काम करे तो ही आप आना, अन्यथा हम भी फालतू की बातें करने के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम सिर्फ अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए बैठे हैं और उनको सिखा रहे हैं ये चीज़ें। और यहाँ से जाने के बाद आपने कहाँ उतरना है,
आगे जाके किससे संपर्क करना है वो भी बहुत सारी परेशानियां हैं। मेरे पास 8-10 दिन में बहुत से टेलीफोन आए, उनमें बहुत से बच्चों ने यही कहा कि जी हमारा अमेरिका का वीज़ा लग भी गया था लेकिन एयरपोर्ट से वापस आ गए। तो वो परेशानियां भी शायद उन भाइयों को नहीं पता कि ये क्यों आए, लेकिन हमें पता वो क्यों आए। हमारा केस जो भी होगा वो अमेरिका के एयरपोर्ट से वापस नहीं आ सकता, वो प्रबंध हमारे पास है सारा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं देखो सबसे पहले आपके माध्यम से ये बता दूं कि मेरे को ये मत समझना कि मैं हिंदुस्तान का नहीं, मैं बिल्कुल हिंदुस्तान का हूँ, प्योर हिंदुस्तानी और हिंदू हूँ और मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ हो सकता है कि हम ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये चमार जाति से या मुसलमान है, ये चीज़ें हमारे देश में ज़्यादा है, ये होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन उस देश में एक बहुत गजब की चीज़ देख के आऊँ मैं कि अगर 50 आदमी खड़े तो 30 आदमी वहाँ अलग अलग देशों के हैं। और वो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट बता दूँ कि उस देश का नागरिक आपको बहुत इज्जत की नज़र से देखता है और वो अपने अंदर फील करता है कि ये आदमी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे 18-18 घंटे ट्रकिंग लाइन में काम करते हैं। तो 18 घंटे काम करके क्या उस देश की GDP नहीं बढ़ रही? तो वो लोग हमारे बच्चों को बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं। और जैसे लड़कियों के बारे में आपने बात कही कि वहाँ किसी भी लड़की को आप किसी भी रास्ते चलती को या कोई गाड़ी में बैठी हो आप कुछ उसको बोल ही नहीं सकते। वहाँ का जो कानून है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। अगर किसी लड़की ने कुछ बोल दिया, उसकी शिकायत कर दी, तो ये समझ लो कि पूरी ज़िंदगी जेल में उसने काटनी पड़ेगी। तो इसलिए 10 लड़कों में भी एक लड़की अकेली रह सकती है, उसको कोई टोकने वाला नहीं है। रात के 12 बजे 1 बजे जैसे अपने आप 20-30 साल पहले हम देखते थे जब छोटे थे कि दिन रात कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं था, बच्चे जा रहे थे तो कोई बोलने वाला नहीं था, बड़ी शर्म थी। अब वैसे उतनी ज़्यादा नहीं रही, आप बुरा मत मानना इस चीज़ के लिए, लेकिन वहाँ आज भी रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे लड़कियाँ गाड़ी लेके जा रही हैं दूर दूर तक, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई हाथ करने वाला भी नहीं है। देखिए आइलेट्स में मिनिमम 6 बैंड होना चाहिए और PT में मिनिमम 55 स्कोर होना चाहिए, वो आदमी वहाँ एडमिशन लेने के लिए योग्य है। जो भी बच्चा ये एलिजिबिलिटी पूरी कर रहा है और +2 और BA पास है तो हिम्मत जी से मिलिए कलायत में, आपको 100% बढ़िया रिजल्ट हम देंगे। और किसी भी तरह की कोई परेशानी हमने हमारे से पूछनी है वो चाहे किसी भी एजेंट के पास गया हो, हम एजेंट नहीं है, हम तो एक सेवक हैं। कोई भी भाई किसी के भी पास गया है अगर उसने कोई चीज़ पूछनी भी है, चाहे बेशक उसी एजेंट से काम करता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे से पूछ सकता है, हमारे से गाइड ले सकता है, हमें कोई परेशानी नहीं है। और वहाँ जाने के बावजूद भी मैं आपके माध्यम से एक बात और बता दूँ, कुछ बच्चे वहाँ चले भी गए और 30 लाख रुपये साल की फीस में उन्होंने वहाँ एडमिशन ले रखा है। वो बच्चा भी अगर वहाँ ट्रांसफ़र लेना चाहता है और 8 लाख रुपये यूनिवर्सिटी साल की में लेना चाहता है, मैंने अभी 2-3 बच्चों का करवाया है तो 22 लाख रुपये उनका बचा भी साल का, वो सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है और वो पैसा भी आपको यूनिवर्सिटी से हम वापस करवा देंगे। डोंकी वालों को तो सफल संदेश ये है कि यहाँ से चलता ना तभी से वो समझ लो कि एक घिरा हुआ है और उसकी जान जोखिम में है। डोंकी वाला यहाँ तो 50 लाख रुपये दिए, 8-8 महीने में पहुँचता है और किन किन रास्तों से नहीं जाता आपको मैं पूरी डिटेल बता भी नहीं सकता, बहुत लंबी है। और लास्ट के दिन तो 10 दिन कोई भी आदमी है उसको 10 दिन भूखा रहना ही रहना पड़ता है। अगर वो बीमार हो गया तो डोंकर उसका गला रेत देता है या गोली मार देता है। और फिर अगर वो सफल भी हुआ अंदर जाने में तो 100 में से 15 आदमी डिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस नुकसान से बचिए, इसीलिए तो हमने ये काम शुरू किया है। हमने यहाँ डाका डालने के लिए काम नहीं किया, हमारा तो काम भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। और अमेरिका में बड़ा 2 हॉस्पिटल है हमारे, मेरी सिस्टर भी कनाडा में, 6 हॉस्पिटल है, बादाम के बाग है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमने सिर्फ हमारे बच्चों के लिए, हमारे अंदर एक टीस थी कि हमारा किसान और गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा कैसे कामयाब हो, इसीलिए हमने सारा काम किया। नहीं तो मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं सभी भाइयों के, पूरे इंडिया से बहुत से टेलीफोन आए कि भाई साहब रेट तो 25 लाख का है, रेट 50 लाख का है, आप रेट क्यों खराब कर रहे हो, हमारे पेट पे लात मार रहे हो। मुझे लगा कि हमारा जो किसान का बच्चा है, जो हमारा किसान परिवार और मजदूर परिवार है, उसके पेट पे लात ज़्यादा है, इसलिए हमने स्टेप उठाया, हमने उनकी परवाह नहीं की। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा
कि आसान रास्ता, साफ रास्ता, कम से कम पैसे में रास्ता सिर्फ गोल्डन टाइम्स पे और हिम्मत सारण जी कलायत पे है। आप आइए और इसका आनंद लीजिए, हम आपकी सेवा में बैठे हैं आपके पास।